रहीम अस्सलाम वालेकुम मां तवाजे सिंधी जी टीचर आज असी पढ़ांदासी ही ताजो सिंधी जो किताब आहे सिंधी जे किताब जे आखरी सफ़े ते 56 पेज ते असा वट आहे दुआ दुआ तवाजे ओरल में दिनी वई आहे त तव्हां रोज इनके पढ़ंदा ऐं याद कंदा। दुआ छा हूंदी आहे? दुआ वो हूंदी आहे बेटा, दुआ वो होती है जिसमें हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, जैसे हमारी ख्वाहिशें होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि या रब पाक हमें ये दे दे, हमें कामयाबी दे दे, हमारी ख्वाहिशें पूरी कर लें, उसको हम कहते हैं दुआ। आप भी अल्लाह पाक से दुआ मांगते होंगे, तो आज हम पढ़ेंगे दुआ। अच्छो प्यारा बारों जी त असं स्टार्ट कंदासीं। या रब तुझो शान निरालो, शान निरालो, मान निरालो। या रब पाक आपकी शान निराली है, आपका मान निराला है। जैसे कि अल्लाह पाक से मुखातिब है ये बच्चा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये अल्लाह पाक से अर्ज़ कर रहा है कि या अल्लाह पाक आपकी शान बहुत निराली है और आपकी शान बहुत अजीम है। तू ही आहीं मुझो मालिक, आहीं सारे जग जो खालिक। आप ही मेरे मालिक हो और आप ही सारे जहां के मालिक हो। आप मेरे मालिक हो और पूरी दुनिया के मालिक हो। ये अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कौन बोल रहा है? हमारा शायर कौन है? ग़ुलाम मोहम्मद गाजी। किसने लिखी है? ग़ुलाम मोहम्मद गाजी ने ये दुआ लिखी है। आंसू उम्मीदों तू ही पुजाई, सब की सोहनी राह बठाई। अब यहाँ पे शायर बोल रहा है कि आप हमारी ख्वाहिशें उम्मीदें सारी आप पूरी करते हैं और सबको सही राह दिखाते हैं, सबको सही राह पे चलने की तौफीक देते हैं। इल्म अता कर मुखे साईं, तू ही तो मंजिल ते रसाई। इल्म अता करो मुझको मालिक, आप ही तो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब ये बच्चा अपनी दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह पाक मुझे इल्म अता करो और आप मुझे आप ही अपनी मंजिल तक पहुंचाओगे। तू दर आया आओ सवाली, भर तू मुझी झोली खाली। आपके दर पे मैं हूँ सवाली। हम किसके दर के सवाली हैं? अपने अल्लाह पाक के दर के सवाली हैं। तो शायर मुखातिब हो रहा है, कह रहा है कि मैं आपके दर का सवाली हूँ और आप मेरी जो खाली झोली को भर दें। आप शायर कह रहा है कि मेरी खाली झोली को आप भर दें, मैं आपके दर पे सवाली आया हूँ। गाजी जा सब अर्ज़ अघाई, काबे जो दीदार कराई। अब गाजी जैसे कि शायर का नाम है, तो शायर कह रहा है कि आप मेरी सारी दुआएं, मेरे सारे अर्ज, मेरी सारी ख्वाहिशें आप पूरी करोगे और मुझे काबे का दीदार करा दे। काबा किसे बोलते हैं? अल्लाह पाक का घर, ये हमारा काबा बना हुआ है। तो शायर कह रहा है कि मुझे अपने घर की, मुझे अपने घर का दीदार करा दें। बेटा ये हमने दुआ पढ़ी, मीनिंग के साथ मैंने आपको समझाई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम इसको सुर के साथ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आओ हम दुआ मांगे अल्लाह पाक से और अच्छे सुर में। या रब तुझो शान निरालो, शान निरालो, मान निरालो। तू ही आही मुझो मालिक, आही सारे जग जो खालिक। आंसू उम्मीदों तू ही पुजाई, सबके सोहनी राह बठाई, सबके सोहनी राह बठाई। इल्म अता कर मुखे साई, तू ही तो मंजिल तेरा साई, तू ही तो मंजिल तेरा साई। तो दर आया आओ सवाली, भर तू मुझी झोली खाली, भर तू मुझी झोली खाली। गाजिया जा सब अर्ज़ खाई, काबे जो दीदार कराई, काबे जो दीदार कराई। प्यारे बच्चों ये जैसे दुआ हमने सुर के साथ पढ़ी, ठीक इसी तरह आप घर में रोज़ाना इसकी इसको पढ़ेंगे और दो दो लाइन इसकी याद करेंगे। ये आपकी दुआ है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होंगी और आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।